जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में, जिसका नाम है ई पाठशाला सेंटर। आज का हमारा विषय है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम MCQs। इसके पहले हमने दो तीन वीडियो MCQs के डाले थे। आज हम पंचायती राज संरचना के संबंध में, जैसे तीनों स्तर का ग्राम पंचायत जनपद जिला का जो संरचना होता है उससे संबंधित MCQ कर रहे थे। इससे पहले हमने 23 MCQs कर चुके हैं, आज का उसको और आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या है, ये है निर्वाचन से संबंध सुमेलित क्या नहीं है। देखिए, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप पहले बार कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें सरपंच उप सरपंच दिया है, ग्राम पंचायत के सदस्य दिए हैं, जनपद पंचायत का अध्यक्ष दिया है, तो इसको किस तरह बनाना चाहिए। सबसे पहले बात तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है। इसमें नीचे कूट दिया रहेगा, मैं नीचे कूट कूट को लिखा नहीं हूँ, ठीक है, मैं नीचे कूट लिखा नहीं हूँ। पर इस प्रकार क्वेश्चन में आपको एक तरह की जो चीज़ें होती हैं ना उसको अलग करना होता है, और दूसरे जो एक तरह के रहते हैं उसको अलग करना रहता है। तो वो कूट में अलग अलग मिला के दिया जा रहता है। कूट में यदि कोई दे दिया है, मिक्स दे दिया है, तो उसमें वो क्वेश्चन रहेगा वो सुमेलित नहीं रहेगा, ठीक है। अब इसमें पूछा है कि सुमेलित क्या नहीं है, सुमेलित क्या नहीं है। जैसे हम यदि इसमें एक प्रकार, जैसे अब इसमें इसमें प्रत्यक्ष चुनाव से कौन कौन आता है ये देखते हैं। तो प्रत्यक्ष चुनाव से हमारा आता है सरपंच, ठीक है, उसके बाद आता है ग्राम पंचायत के सदस्य पंच, ये हो गया, और फिर उसके बाद है जनपद पंचायत के सदस्य और जिला पंचायत के सदस्य। इन सभी को एक में मिश्रित करके दिया जाएगा, इन सभी ऑप्शन को एक में मिश्रित करके दे दिया जाएगा। उसके बाद क्या करेगा, जो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, जैसे उप सरपंच का अप्रत्यक्ष होता है, जनपद अध्यक्ष का अप्रत्यक्ष है, उपाध्यक्ष का अप्रत्यक्ष है, जिला का अप्रत्यक्ष है, और इसका अप्रत्यक्ष है, इस प्रकार एक कूट में मिला के दे सकता है। अब बोल रहा है कि संबंध में सुमेलित क्या नहीं है। यदि इन तीनों को अलग अलग दिया जो सेम सेम है तो वो तो आपका आंसर सही होगा, लेकिन इन्हीं को मिक्स करके दे दिया तो बोल रहे हैं ना सुमेलित नहीं है, तो जो मिक्स करके देगा वो आपका आंसर हो जाएगा, मतलब वो आपका गलत रहता है। तो उस क्वेश्चन के हिसाब से वही आपका सही आंसर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन में देखते हैं तो 1, 3 और ये 5, सॉरी 6, ये 6 और ये 9। देखिए, सरपंच, ग्राम पंचायत के सदस्य, जनपद पंचायत के सदस्य और जिला पंचायत सदस्य, ये आपके सुमेलित कहलाएंगे, है ना, ये आपके सुमेलित कहलाएंगे। अब सुमेलित क्या नहीं है, अब इसमें से मिक्स कर दिया, जैसे उप सरपंच मिला दिया, किसी किसी में सरपंच मिला दिया, तो इस प्रकार के जो शब्द रहेंगे वो आपके सुमेलित नहीं रहेंगे। तो आप जैसे ही क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें कूट रहेगा, 1 में 1, 2, 3, बी बी में 1, 2, 3, 3, ऐसा करके लिखा रहेगा, तो आप उसको देख लीजिएगा कूट के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित सत्य है, संबंधित सत्य है। देखिए, अब पढ़ते जाइए, प्रत्येक गांव के लिए एक ग्राम पंचायत गठित होती है, क्या ये सही है, बिल्कुल गलत है, है ना। गाँव के समूह के लिए, है ना, यदि कोई छोटा छोटा गांव है तो उनके समूह मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनाते हैं। ये हमने देखा है कि जब हम ग्राम सभा पढ़ रहे थे उस समय देखा है, और पंचायत की पढ़ रहे थे संरचना उस समय भी देखा है। तो प्रत्येक एक गांव के लिए नहीं बनाया जाएगा, ऐसे देखा जाए तो जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां तो 50-60 ऐसी बस्तियां मिलके एक गांव बन जाती हैं, या 10-20 बस्तियाँ मिलकर गाँव बन जाती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रत्येक गाँव के लिए हम एक एक पंचायत बनाएंगे। तो इन समूह को, है ना, 2 या 3 गाँव के समूह को, या फिर एक जो बड़ा गाँव है उनके लिए एक ग्राम पंचायत बनाने की बनाया जाता है। तो ये आपका पहला हो गया गलत। ग्राम पंचायत के सरपंच चुने हुए पंचों द्वारा नामजद होते हैं, बिल्कुल नहीं, आपके जो सरपंच है ग्राम के जो मतदाता सूची के लोग हैं, वोटर हैं, उनसे चुन कर आते हैं ना, तो ये भी गलत हो गया। ग्राम पंचायत में आरक्षण का प्रावधान नहीं है, ये भी गलत है, आरक्षण तो मैंने पढ़ाया है, और ग्राम पंचायत में भी आरक्षण होता है। आपने देखा होगा कि आपके गांव का सरपंच कभी SC होता है, कभी ST, कभी महिला, कभी पुरुष, उसी प्रकार आपके वार्ड में भी आता है ST, ST, महिला पुरुष, ये भी आता है, तो ये गलत हो गया। ग्राम पंचायत में उप सरपंच का चुनाव चुने हुए पंचों द्वारा किया जाता है, तो ये सही आंसर है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ग्राम पंचायत का उप सरपंच जब पूरे पंच चुन कर आ जाते हैं ना चुनाव से, तो एक बैठक बुलाया जाता है, उस बैठक में आपस में लोग उस सरपंच को
चुन लेते हैं। यहाँ एक और बात बता दूँ, यदि आपके सरपंच है ना, आपके सरपंच यदि आरक्षित वर्ग से नहीं है, जैसे OBC, SC या फिर ST, यदि इस वर्ग से आपका सरपंच प्रत्यक्ष चुनकर नहीं आया है, तो उप सरपंच को इन तीनों में से किसी एक का होना अनिवार्य है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि OBC हो, SC हो, ST हो, वो तीनों तीनों में से किसी का भी एक का होगा, वो अनिवार्य है। यदि सरपंच आरक्षण जनरल कैटेगरी से आया है, तो जनरल आया है तो, सॉरी कैटेगरी तो है नहीं, जनरल जनरल से आया है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, खंड और जिला पंचायतों की सीमाओं का परिवर्तन में आधिकारिकता कौन रखता है? जैसे खंड या जिला के इस समय एक उसको बढ़ाना या कम करना, या इसकी अधिकारिता कौन रखता है? तो देखिए, अभी आपने देखे होंगे कि हमारे मुख्यमंत्री जी हैं श्रीमान भूपेश बघेल जी, उन्होंने अभी तक 5 जिलाओं की घोषणा कर दी है, 5 नए जिलाओं की। तो उसमें क्या हो रहा है, जो खंड है या फिर जिला है, उनका कहीं ना कहीं उसका जो सीमा है वो चेंज हो रहा है। जैसे अभी राजनांदगांव को उठा के 3 जिला बना दिए, अब राजनांदगांव में तीन, पहले पहले एक ही था राजनांदगांव, उसमें तीन दो और बना गया, एक एक खैरागढ़ बना दिए, नीचे मानपुर मोहला बना दिए। तो उस खैरागढ़ जिले का तो सीमा परिवर्तन हो गया, तो वो अधिकार किन के पास है? तो वो अधिकार आपके राज्यपाल के पास है, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, वो अधिकार आपके राज्यपाल के है, चुनाव आयोग के पास नहीं है। चुनाव आयोग केवल चुनाव कराता है और मतदाता सूची तैयार कराता है, संभाग आयुक्त के पास नहीं है, कलेक्टर या जिला निर्वाचन अधिकारी के पास नहीं है, क्योंकि ये स्टेट लेवल का काम है ना, एक स्टेट लेवल का काम है, इसलिए ये राज्यपाल को आंसर लगाइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा का एक सदस्य जिसका नाम उस जनपद के एक ग्राम पंचायत में मतदाता सूची में है, वह क्या हो सकता है? राज्यसभा का एक सदस्य जिसका नाम जनपद पंचायत के किसी एक ग्राम के मतदाता सूची में दर्ज है, तो वह क्या हो सकता है? बताइए क्वेश्चन क्या हो सकता है? ये क्वेश्चन आपको पहले बार पढ़ा दिया गया है, ये क्वेश्चन क्या होगा पर बताइए, है ना? तो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य होगा। देखिए, अब मैं इसके पहले आपको कुछ थ्योरी थ्योरी बता देता हूँ। जो राज्यसभा सदस्य होता है ना, जो राज्यसभा सदस्य होता है वो जिला पंचायत का सदस्य होता है, और इसके लिए क्राइटेरिया क्या है कि यदि जिला पंचायत के किसी भी गांव के मतदाता सूची में किसी राज्यसभा सदस्य का नाम है, तो वो उस जिला पंचायत के उस जिला पंचायत का पदेन सदस्य होगा। इसमें आपका वो उसका क्षेत्र ग्रामीण या फिर नगरी होना ऐसा कोई बाध्यता नहीं है, पूर्ण ग्रामीण होगा या नहीं होगा, होगा तो भी नहीं होगा तो भी, वो अब जिला पंचायत के ही सदस्य पदेन सदस्य माने जाएंगे। अब ऑप्शन से देखिए, हमने अभी बोला है जिला पंचायत और यहाँ पूरे नाम हैं जनपद पंचायत, तो इससे भी गलत हो जाएंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आगे चलिए। स्थानीय सांसद और विधायक निम्न में से किस निकाय के सदस्य होते हैं? स्थानीय सांसद और निकाय किस सदस्य होते हैं? तो आपके जिला परिषद के होते हैं। ग्राम पंचायत में कौन कौन होता है? देखिए, मैं आपको थ्योरी बताते जा रहा हूँ। ग्राम पंचायत में आपका होता है उप सरपंच, सरपंच और पंच, और यदि कोई निःशक्त व्यक्ति नहीं आता है तो उसका एक प्रतिनिधि। ठीक है, ये हो गए। पंचायत समिति में यही लोग रहते हैं, पंचों से मिलकर पंचायत समितियाँ बनती है। नगर निगम, स्थानीय सांसद विधायक नगर निगम के निकाय के सदस्य नहीं होते। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी पंचायती राज से प्रत्यक्ष संबंध है? प्रत्यक्ष कौन है? तो हमारे मुख्य कार्यपालन अधिकारी पंचायती राज का सचिव है ये, जिला जनपद का, जिला जनपद स्तर में ये लोग सचिव होते हैं, तो आंसर ये आएगा। बाकी ये तो राजस्व है ये सब। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा मुख्य कार्यपालन अधिकारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत के लेखों का अंकेक्षण कौन करता है? पंचायत के लेखों का अंकेक्षण कौन करता है? मतलब ऐसा है कि पंचायत में जो भी लेन देन होता है, उसके पैसों का हिसाब जो जनपद पंचायत या जिला पंचायत या ग्राम पंचायत रखती है, उस पर कौन उसकी जांच करता है? तो उसका आंसर रहेगा राज्य सरकार के नियंत्रण जीव नियंत्रण अधीन होगा, है ना, नियंत्रण नियंत्रण स्वतंत्र अंकेक्षक संगठन।
राज्य सरकार के नियंत्रण में एक ऑडिट का एक ग्रुप रहता है ना, उसका संगठन रहता है, वही इसकी जांच करता है। लेकिन समय पड़ने पर आपके पंचायत ग्रामीण विकास भी कर सकता है, कलेक्टर भी करा सकता है, पंचायत सचिव नहीं करा सकता। लेकिन आंसर के हिसाब से आपको इसी को लेना है, ठीक है। अगले, इस राज्य की ग्रामीण निर्माण योजना कार्यों के लिए प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने का अधिकार किसके पास है? इस राज्य में ग्रामीण निर्माण योजना कार्यों के लिए प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने का अधिकार किसके पास है? अभी जैसे 15 फाइनेंस है, 14 फाइनेंस है, काम जैसे ग्राम पंचायत में होता है तो उसका काम ग्राम पंचायत या जिला पंचायत में जहाँ भी होता है तो उसकी प्रशासकीय स्वीकृति करने का अधिकार है जिला पंचायत को, ना कि कलेक्टर को, ठीक है। योजना संबंधी जितने बात आएगा तो आप उसमें जिला पंचायत मारेंगे, राजस्व संबंधी जो बात रहेगा वो कलेक्टर करेगा, ठीक है। पंचायत सेक्टर की उस योजना का नाम बताइए जिसमें व्यावसायिक परिसर निर्माण प्रावधान है। पंचायत सेक्टर की उस योजना का, देखिए योजना था वैसे पूछा नहीं इस बार, शायद एडीओ के एग्ज़ाम में आ जाए। पंचायत सेक्टर की उस योजना का क्या नाम है जिसमें व्यावसायिक परिसर निर्माण का प्रावधान है, ठीक है। तो यह है ग्राम विकास योजना, हम लोग पढ़ते हैं ना जीपीडीपी वगैरह पढ़ते हैं, तो यह है आपका ग्राम विकास योजना, ग्राम विकास योजना। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायतों द्वारा जरूरतमंद व्यक्तियों को निःशुल्क खाद्यान्न की व्यवस्था कराने का प्रावधान किस राज्य के पंचायत अधिनियम 1993 में इस किस वर्ष संघोषण में शामिल किया गया। फिर पढ़ रहा हूँ, ग्राम पंचायत द्वारा जरूरतमंद व्यक्तियों को निःशुल्क खाद्यान्न की व्यवस्था करने का प्रावधान किस राज्य, इस होना चाहिए इस राज्य के पंचायत अधिनियम 1993 के किस वर्ष संशोधन किया गया। तो इसका उत्तर होगा आपका 2004 में। इस राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृत करने का अधिकार है आपके जनपद पंचायत को, याद रखिएगा। जितना भी पेंशन वाला काम है वो जनपद स्तर पर होता है और उसको स्वीकृत करने का अधिकार है जनपद पंचायत को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्न कथन में कौन सा सही है? अब आपको सर कथन सही बताना है, ये आपको याद होना चाहिए जैसे मैंने थ्योरी में पढ़ा के रखा है। सरपंच माह हमें कम से कम एक बार ग्राम पंचायत की बैठक बुलाएगा, सही है। जनपद पंचायत का अध्यक्ष कम से कम दो बार, बिल्कुल नहीं, एक बार बुलाता है। जिला पंचायत का अध्यक्ष माह हमें कम से कम दो बार, ये भी गलत है, एक बार बुलाता है। यदि सरपंच बैठक ना बुलाए तो सचिव सम्मेलन की सूचना जारी करेगा, ये सही है, ठीक है, ये सही है। यदि यदि है ना, ये तेरी लिखा गया है क्योंकि ये मैंने उन वॉइस टाइपिंग से लिखा है। तो यदि जनपद पंचायत या जिला पंचायत का अध्यक्ष बैठक ना बुलाए तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी सम्मेलन की सूचना जारी कर सकता है, तो ये भी सही है। तो इसमें दो आपके गलत है, ये सही है। देखिए मैंने जो नीचे कूट लिखा रहता है ना उसका उपयोग नहीं किया है, मैं केवल जो सही है वो नहीं है, ये ऐसा बना के बता रहा हूँ, कूट का मैंने उपयोग नहीं किया क्योंकि मेरे पास स्पेस यहाँ पे कम रहता है। अब देखते हैं कोरम के विषय में क्या सही है। कोरम है ना, बैठकों की कोरम होती है ना, जिला पंचायत का कोरम 1/3 है, जनपद पंचायत का 1/3 है, ग्राम पंचायत का 1/4 है और ग्राम सभा का 1/4 है। तो जिला पंचायत का ना 1/3 है वो सही है, कुल में से 1/3 आना चाहिए, उसी प्रकार जनपद का भी वही है। और ग्राम पंचायत का 1/2 है, 1/2 है, ठीक है, ग्राम पंचायत का 1/2 है और ग्राम सभा का 1/10 है, ठीक है। तो जिला पंचायत के लिए 1/3 होता है, जनपद के लिए 1/3 होता है और ग्राम पंचायत के लिए 1/2 होता है, ग्राम सभा के लिए 1/10 होता है, ये उसकी कोरम है, आप ये याद रखिएगा, क्वेश्चन में ऐसे ही पूछेगा घुमा के। अब देखिए ग्राम पंचायत के उप सरपंच के विषय में क्या सही है, तो देखते हैं, वह पंचों द्वारा निर्वाचित किया जाता है, बिल्कुल सही है। वह वस्तुतः एक पंच होता है जिसे उप सरपंच पद के लिए निर्वाचित किया जाता है ना, वस्तुतः एक पंच होता है उसे उप सरपंच पद के लिए निर्वाचित किया जाता है, बताइए क्या सही है इसमें, बताइए क्या सही है इसमें। तो ये आपका दो भी सही है, ठीक है। वह प्रत्यावर्तित किया जा सकता है,
सरपंच को हम प्रत्यावर्तित, उप सरपंच को हम प्रत्यावर्तित नहीं कर सकते, गलत है, ठीक है। उसे पंच के रूप में प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, ये सही है। प्रत्यावर्तित मतलब होता है रिकॉल, बताऊंगा अभी क्या होगा। उसे अविश्वास प्रस्ताव किया जा सकता है, ये सही है। चलिए अब समझते हैं, एक ग्राम पंचायत में सब पंच आ गए पहले सम्मेलन में, पहले सम्मेलन की पहले की बैठक में, तो इसमें से एक पंच को उप सरपंच के रूप में मान लिया जाएगा। तो ये हमारा पहला पॉइंट सही हो गया। सेकंड बोल रहा है वस्तुतः एक पंच होता है, सही बात है, वहाँ एक पंच के रूप में बैठा था उसको कर दिए निर्वाचित उप सरपंच के रूप में, ये भी सही है। प्रत्यावर्तित मतलब होता है रिकॉल, मतलब वापस बुलाया जाना, रिकॉल बुलाया जाना मतलब जो लोग उसको चुन कर भेजते हैं ना, जो चुन कर भेजते हैं वो उनसे वापस बुला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ प्रश्न के हिसाब से उसे मतलब उप सरपंच को, तो उप सरपंच को प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता, उप सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। अब ऐसा क्यों, देखिए ये इतने पंच मिलकर किसी एक को विश्वास करके, देखिए ऐसी ट्रिक से याद कीजिएगा, इतने पंच मिलकर किसी एक को विश्वास करके उप सरपंच बनाए थे, लेकिन वो उप सरपंच अच्छे से काम नहीं कर किया, उसका विश्वास खो दिए, तो उसके खिलाफ एज अ उप सरपंच है ना, आप उसमें अविश्वास प्रस्ताव पास कर सकते हैं। तो हमारा ये पांचवा वाला सही होता है और ये गलत हो जाता है तीसरा। उसके बाद बोल रहा है कि उसे पंच के रूप में प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, तब ये सही है। एज अ पंच के रूप में यदि आप उसको वापस बुलाना चाहें तो बुला सकते हैं, तो कौन बुलाएगा, उस वार्ड के जितने भी मतदाता सूची में नाम है ना, जिन्होंने उसको चुन कर भेजा है उस वार्ड से, वही लोग उसको वापस बुलाएंगे वोटिंग के द्वारा, और इनकी बहुमत होता है 50 प्लस है ना, 50 प्लस। यदि वहाँ के मतदाता उसको वोट दे दिए, कहाँ के, उस वार्ड के, ना कि पूरे ग्राम पंचायत के, ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट। अब ये है जनपद पंचायत की न्यूनतम और अधिकतम क्या है। जनपद पंचायत, इसमें इसको एक लाइन में लिख दिया हूँ, जनपद पंचायत की न्यूनतम होती है आपके वार्डों की निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या होती है आपका 10, अधिकतम होता है 25, प्रत्येक क्षेत्र में मिनिमम आपका 5000 जनसंख्या होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, किस तिथि में जिला पंचायत की अवधि की गणना की जाती है, किस तिथि से होना चाहिए है ना, किस तिथि से है ना, किस तिथि से जिला पंचायत की अवधि की गणना होती है, मतदान तिथि से, ना रे बाबा मतदान तिथि से नहीं होता, उसमें से कौन चुन के आएगा, कौन क्या आएगा क्या पता, मतगणना, ना मतगणना से भी नहीं होता, परिणाम की घोषणा, ये भी गलत है, प्रथम सम्मेलन, ये सही है, ठीक है, प्रथम सम्मेलन से। अगला क्वेश्चन है आपका, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के अध्यक्षों में समानता क्या है, दोनों अप्रत्यक्ष हो जाते हैं, जिला और जनपद दोनों सही है, दोनों मिलता संस्था से सदस्य के रूप में चुने जाते हैं, मूलतः है ये, मूलतः है, ठीक है, दोनों मूलतः संस्था के सदस्य के रूप में चुने जाते हैं, तो दोनों सदस्य के रूप में चुने जाते हैं, ये आपको देखना पड़ेगा, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है इस क्वेश्चन पर। हाँ सही है, दोनों मूलतः संस्था के सदस्य, पहले वो लोग संस्था के बनते हैं ना, पहले सदस्य बनते हैं, चुनकर आते हैं, तो और दोनों को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पदच्युत किया जा सकता है, ये भी सही है, दोनों समान जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये गलत है, ठीक है। अब तीन पॉइंट को मैं आपको समझा देता हूँ, पहले कि दोनों अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, देखिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में उसको चुनाव कौन करता है, तो वहाँ के जितने भी सदस्य होंगे वो लोग इनको विश्वास करके एक को अध्यक्ष बना देंगे, जिले में भी और जनपद में भी, ठीक है, तो ये सही होता है, दोनों मूलतः है ना, ये मूलतः है, ठीक है, दोनों मूलतः संस्था के सदस्य के रूप में चुने जाते हैं, संस्था के सदस्य के रूप में चुने जाते हैं, तो बिल्कुल सही है, आम जनता उसको चुनकर भेजती है, दोनों को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटा दिया जाता है, पदच्युत का मतलब होता है हटा दिया जाना, ये भी सही है। अब दोनों समान जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, गलत बात है, अगर दोनों समान जनता का प्रतिनिधित्व करते तो पद अलग अलग क्यों होता, पहली बात, जनपद में जनसंख्या को ही देख ली, यदि उसको सदस्य के रूप में देखते हैं तो एक सदस्य अधिकतम मतलब 5000 एक क्षेत्र से होता है, और जिला पंचायत में 50000 होता है, ठीक है, ये तो हो गया एक सदस्य के रूप में, अगर उसी को अगर जिले या फिर अध्यक्ष के रूप में देखा जाए तो ये पूरे जनपद का चलाता है, पूरे जनपद, अब देखिए एक जिले में 4-5 जनपद रहते हैं और एक जनपद के लिए एक अध्यक्ष होता है, और एक जिले में एक अध्यक्ष सुने उस 6 जनपदों को संभाल रहा है, तो उसका ज़्यादा हुआ ना प्रतिनिधित्व, इस तरीके से देखा जाए तो ये हमारा ये आंसर समानता क्या है, तो ये तीनों समानता ये नहीं है, कुट के हिसाब से आंसर लगा लीजिएगा, सही क्या है, सही क्या है अब ये बताना है।
जनपद पंचायत के सामान्य प्रशासन समिति का अध्यक्ष समिति द्वारा चुना जाता है। जनपद पंचायत के सामान्य प्रशासन समिति का अध्यक्ष समिति द्वारा चुना जाता है। मैंने समिति पढ़ाते वक्त आपको अच्छे से बता दिया था कि ये गलत है ना। सामान्य प्रशासन का समिति का अध्यक्ष पदेन आपका अध्यक्ष होता है। आपके जो जनपद पंचायत के अध्यक्ष होंगे ना, वो सामान्य प्रशासन समिति के पदेन अध्यक्ष होंगे, तो ये गलत है ये वाला पॉइंट। जनपद पंचायत को उपाध्यक्ष शिक्षा समिति का सभापति होता है, ये बिल्कुल सही है। जनपद पंचायत के अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं, ये भी सही है। जनपद पंचायत के जो अध्यक्ष हैं वो जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं, ये भी सही है। जनपद पंचायत के अध्यक्ष जिला पंचायत के किसी समिति का सदस्य नहीं हो सकता, ये भी सही है, नहीं हो सकता, ठीक है, ये सही है। जनपद पंचायत के अध्यक्ष सभी स्थायी समिति का सभापति होता है, ये गलत है, ठीक है। तो ये है आपका आंसर, कुट के हिसाब से लगाइएगा आंसर। मान लीजिए कुछ अनियमितताओं के कारण प्रथम ग्राम सभा का विघटन कर दिया गया, तब क्या होगा? प्रथम ग्राम पंचायत का अपने विघटन कर दिया पूरा, ठीक है। विघटन का मतलब होता है जितने भी पंच सरपंच चुन के आए रहेंगे उन सब की सेवा समाप्त, ठीक है। उस पंचायत का विघटन कर दिया तो वहाँ ऐसा नहीं कि वो लोग दोबारा नहीं चुने जाएंगे, लोग दोबारा चुनने के लिए पात्र रहते हैं, लेकिन अगर तो उसमें कोई भी उसमें स्थायी नहीं बने रहेगा, फिर से चुनाव किया जाएगा। तो क्या होगा? शासन एक समिति गठित करेगी, बिल्कुल सही है। ग्राम सभा एक समिति गठित करेगी, ग्राम सभा नहीं करती। नई पंचायत गठन तक उक्त ग्राम पंचायत रहित रहेगी, ये भी गलत है। नई ग्राम पंचायत की अवधि पूर्व ग्राम पंचायत की शेष अवधि तक रहेगी, ये सही है, ठीक है। क्वेश्चन हिसाब से लगाइएगा, घुमाने वाला क्वेश्चन पूछेगा तो आप फंस जाओगे। अगला देखते हैं, जनपद पंचायत का जो अध्यक्ष है जो जिला पंचायत का पदेन सदस्य है, जनपद पंचायत का अध्यक्ष जो जिला पंचायत का पदेन सदस्य है, जिला पंचायत की स्थायी समिति का सदस्य हो सकता है। जिला पंचायत के स्थायी समिति का सदस्य हो सकता है, बताइए किसका अध्यक्ष हो सकता है वो, किसका अध्यक्ष हो सकता है वो? तो वो किसी का अध्यक्ष नहीं हो सकता, कोई नहीं। जिला पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है? जिला पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन, देखिए जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य आंसर में आप लेंगे, ठीक है। अगर इसी में जिला पंचायत के बोलेंगे सदस्य तो आप नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे बता देता हूँ। इसमें रहेगा आपका निर्वाचित सदस्य, पदेन सदस्य और शासन द्वारा नामांकित निःशक्त जन, तो ये होता है सदस्यों में गिनती होता है। लेकिन अगर बोलेंगे निर्वाचित सदस्य तो ये आएगा, ठीक है, तो आंसर ये एक होगा। अगला देखते हैं, विधानसभा का एक सदस्य जो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है के विषय में सही कौन सा है? यह स्थायी समिति के, यह स्थायी समितियों का पदेन सदस्य हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, यह बिल्कुल हो सकता है, एकदम बिल्कुल हो सकता है। और उसके बाद है वह एक स्थायी समिति का पदेन होगा, गदेन, गलत, सभी का होगा, ये सभी का होता है, किसी सदस्य नहीं होगा, ये गलत, पहला सही है, ठीक है। अगला है, जनपद पंचायत के कितने प्रतिशत अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं? तो 100% नहीं। अब इसको मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा। इससे पहले हमने पंचायत वो जनपद के लिए पूछा था कि उस जनपद में जितने भी सरपंच हैं, ग्राम पंचायतों के सरपंच हैं, वो कितने जिला जनपद पंचायत के सदस्य हो सकते हैं? तो एक साल में 20% होते थे, प्रतिशत वाला हिस्सा वहाँ चलेगा। अगर जनपद की बात करें तो यदि एक जिला पंचायत है, इसके नीचे चार जनपद हैं, है ना, तो इनके एक एक अध्यक्ष रहेंगे, तो ये सभी पूरे 5 साल के लिए यहाँ पदेन सदस्य माने जाएंगे, ठीक है। इसलिए हमने 100% लिखा है, इसमें कोई पार्शलिटी नहीं है। तो आज के विषय में इतना ही। यदि आपका वीडियो कंटेंट अच्छा लगा हो और ये आपको लगता है कि जानकारी उपयोगी है, तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, नहीं तो नीचे डिसलाइक का बटन दिया है, ठीक है, धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद हम लाने वाले हैं पंचायत की स्थायी समिति से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए मैंने आप जितना भी आज क्वेश्चन पूछा है या फिर क्वेश्चन बनाया है, वो पूर्व वर्ष में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।